फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं जो हमारे JBL के स्पीकर हैं उसको कैसे हम डिसकनेक्ट कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे आइकन्स हैं उसको ओपन करेंगे तो जो हमारे आइकन्स ओपन हो गए, इसमें से हमें सेटिंग वाला आइकन पर क्लिक करना है। तो जो हमारा सेटिंग वाला आइकन है उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही जो हमारे फ़ोन की सेटिंग्स है ओपन हो जाती है। इसमें जो हमारा ऑप्शन है ब्लूटूथ, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा इसमें ऑप्शन आ रहा है JBL गो के नाम से, तो इसको हम डिसकनेक्ट करना चाहते हैं जो स्पीकर को, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। वन क्लिक करते जो तो इस पर ऑप्शन लिखा रहा है डिसकनेक्ट डिवाइस, योर फ़ोन विल डिसकनेक्टेड फ्रॉम JBL गो। तो जिसके नेटवर्क हैं डिसकनेक्टेड हो जाएंगे हमारे ब्लूटूथ ऑप्शन से। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारे फ़ोन से इसके नेटवर्क डिसकनेक्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर हम अपने ब्लूटूथ स्पीकर को डिसकनेक्ट कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाएं ना भूलें। और थैंक यू।